अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। आज हम करने वाले हैं CS 610 का लेक्चर नंबर 6, और ये MCQs के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो लेट्स हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर एक्चुअली में ज़्यादा MCQs की तरफ है, तो हम ज़्यादा MCQs की तरफ इसे देखेंगे। एक्चुअली में फर्स्ट आपका MCQs यही है कि ऑपरेटर्स जो हैं वो बिट्स को किस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो आपने याद रखना है, दिस ऑपरेशन शिफ्ट ऑल बिट्स टू द लेफ्ट वन पोजीशन। तो ऑपरेटर हमेशा बिट्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता है। इसके बाद एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करें तो दो तरह के एरर होते हैं। एक वर्टिकल एरर होता है, दूसरा बस्ट एरर होता है। वर्टिकल एरर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एरर अकर ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर, द सेकेंड बिट ऑफ एवरी करेक्टर विल डैमेज। वर्टिकल एरर जो है वो हार्डवेयर की फेलियर की वजह से होता है। वो हार्डवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जैसे PC, माउस, कंप्यूटर, कीबोर्ड वगैरह, तो ये हार्डवेयर की वजह से होता है। और इसमें जो होता है ना, दूसरा बिट जो होता है वो डैमेज हो जाता है। हमने जो मैसेज भेजा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8-bit का है, तो जो सेकेंड वाला बिट है वो डैमेज हो जाता है। और जो बस्ट एरर होता है, व्हेन अ स्मॉल सेट ऑफ बिट्स चेंज नियर अ स्पेसिफिक लोकेशन ड्यू टू लाइटनिंग आर इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टिंग नियर बी, देन दिस टाइप्स ऑफ एरर्स आर कॉल्ड बस्ट एरर्स। जबकि हम जब कुछ बिट जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब वहाँ पे लाइटनिंग या इलेक्ट्रिक मोटर जहाँ पर स्टार्ट हो रही होती है, उसके पास की जो लोकेशन होती है, वहाँ के जो उनके इलेक्ट्रिक या लाइटनिंग जलने की वजह से जो पास के बिट होते हैं ना, उनमें मसला आ जाता है, तो वो एरर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे टाइप्स को हम बस्ट एरर कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और इनके नाम क्या हैं, वर्टिकल एरर और बस्ट एरर। इसके बाद है हमारे पास मोस्ट नेटवर्क आर लोकल एंड आर डिज़ाइन टू शेयर रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो लैन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क टोपोलॉजी, जो बहुत से हमारे पास कंप्यूटर होते हैं वो लोकल होते हैं, और वो जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मोर से मोर कंप्यूटर उनके साथ जो हैं वो कनेक्ट हो सकें, और रिसोर्स जो हैं उनके वो हर जगह पर यूज़ हो सकें। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ फॉर लोकल नेटवर्क अलो मल्टीपल डिवाइसेज टू कनेक्ट विद अ शेयर्ड नेटवर्क, तो मुख्तलिफ डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, अर्ली नेटवर्क यूज्ड डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इन सच अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ईच कम्युनिकेशन चैनल कनेक्ट एग्जैक्टली टू कंप्यूटर्स। तो अर्ली जो हमारे पास जो पहले कंप्यूटर होते थे वो ये यूज़ करते थे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को। इसमें ये होता है कि दो कंप्यूटर्स को एग्जैक्टली आपस में कनेक्ट कर दिया। तो गाइस लेट्स चलते हैं हम इसके एडवांटेजेस की तरफ। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। द कनेक्शन टाइप ऑफ इंडिविजुअल कनेक्शन कैन बी डिफरेंट। इंडिविजुअल कनेक्शंस कैन यूज़ अ डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट एंड एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म। इट इज़ ईजी टू इन्फोर्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब जो होता है कि इनका कनेक्शन जो होता है वो अलहदा अलहदा होता है, यानी कि फी बंदे का हर बंदे का अलहदा होता है, जिसकी वजह से इन्हें एरर डिटेक्शन का जो सिस्टम है वो भी इनका अलहदा होता है। लेकिन इनकी जो सिक्योरिटी होती है वो भी, इनकी प्राइवेसी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब सारे सिस्टम ही सेपरेट सेपरेट होंगे, कोई किसी के साथ जिसके इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफ़र होगी, तो ज़ाहिर है उनकी प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा होगी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी ये हैं कि द नंबर ऑफ कनेक्शन ग्रो मोर रैपिडली देन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। अब जितने कंप्यूटर लगेंगे इससे ज़्यादा तो कनेक्शन इसके लग जाएंगे। फॉर n कंप्यूटर कनेक्शंस, n ओवर n माइनस n ओवर 2, ये इसका फार्मूला है इसके कनेक्शन फाइंड करने का। क्योंकि जितने ये देखें, अगर इतने कंप्यूटर लगे हैं तो इतने ज़्यादा कनेक्शन इसके आ गए हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। मोस्ट कंप्यूटर यूज़ अ सेम फिज़िकल पाथ। बहुत सारे कंप्यूटर एक फिज़िकल पाथ को यूज़ करते हैं। जब एक फिज़िकल पाथ यूज़ होता है तो ज़ाहिर है कि डाटा को ट्रांसफ़र करने में भी वेट करना पड़ता है। अगर वो सेम फिज़िकल पाथ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि उसके बाद कोई दूसरा कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सारे का सारा जितना भी सिस्टम है वो सारा ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इज़ एक्सपेंसिव ड्यू टू नंबर ऑफ कनेक्शंस। अब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो कम्युनिकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन लगाने पड़ते हैं। अगर इसमें दो कंप्यूटर हैं तो ज़ाहिर है इसमें कितने ज़्यादा कनेक्शन लगेंगे, उसकी वायर्स लगेंगी, जिसका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और एक्सपेंसिव इसके बढ़ जाएंगे। अनदर डिसएडवांटेज इज़ डैट एडिंग न्यू कंप्यूटर टू द नेटवर्क रिक्वायर n-1 न्यू कनेक्शंस। अब इसके एक डिसएडवांटेज ये है कि जो पहले कनेक्शन लगे होंगे वो तो ठीक है, लेकिन जब हम न्यू कोई कनेक्शन लगवाएंगे तो n-1 इसके कनेक्शंस और इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। अगर 7 हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 6 कनेक्शन और लगाने पड़ेंगे, अगर आपको एक कंप्यूटर को उसके साथ कनेक्ट करना है।
तो ये इसके हो जाएंगे डिसएडवांटेजेस। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आ गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इजीली चैप्टर था, तो आपको जो मैंने कंसेप्ट दिया है आपने उसी कंसेप्ट को अपने जहन में रखना है और इसी कंसेप्ट के साथ इस सारे को लेकर चलना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर था। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।